किसी का दिल जीतना है तो यह करो। देखिए, किसी को हम यदि कुछ बोल देते हैं, किसी को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और हमारे पास में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं बातों बातों में। उसके पास में कम इंटेलिजेंस हो, उसके पास में उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी चालाकी नहीं है, उतना संवाद कौशल्य नहीं है, तो शायद बातों बातों में हार जाएगा। इमोशनली भी कोई हार सकता है, फिजिकली हम किसी को हरा सकते हैं, तो मेंटली फिजिकली हम लोगों को हरा सकते हैं। हराना बहुत ईजी है, मगर लोगों को जोड़ना जो है वो बहुत कठिन है। देखिए, एक आधा पौधा है, पौधा काटना तोड़ना कितना आसान है, मगर पौधा यदि बड़ा करने का है, बढ़ाना है, तो कितना टाइम लगता है। क्या होता है कि जब हम किसी को तोड़ते हैं, हराते हैं, डिफीट करते हैं, तो अपने से वो टूट जाता है। मगर बचपन से ही हमको ऐसा सिखाया गया है कि तुम जीतो, तुम्हारा फर्स्ट नंबर आना चाहिए। तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर आता है, तुम जीते हैं, मतलब कोई ना कोई हार जाता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। और हमको हरदम यही बोला गया है कि हार गया मतलब अरे गया, हारना नहीं चाहिए था, जीतना चाहिए था। कॉम्पिटिशन में हमको वही सिखाया गया है कि जीतो बचपन से। मगर किसको यदि जीतना है मन से, तो फिर उसको लविंग, केयरिंग, गिविंग एटीट्यूड उसके साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि जब हार जाता है अपने से, जो हार गया, वो हार गया तो क्या होता है कि वो तो टूटता ही है, और फिर वो देखता है कि ये बदला मैं कब निकालूं। वो कभी ना कभी बदला निकालने की कोशिश करता है, वो अपना दुश्मन बन जाता है, और वो अकेला ही नहीं, उसके दोस्त जो है वो भी अपने दुश्मन बन जाते हैं। जब हम किसी को जीतते हैं, अपना लेते हैं, तो वो अपना बन जाता है और उसके दोस्त भी अपने दोस्त बन जाते हैं। तो किसी को जीतना, मन से जीतना, किसी का मन जीतना बहुत कठिन है, तोड़ना बहुत आसान है। तो हम किसी को जीतते हैं तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। क्या होता है कि जब हरा हुआ इंसान अपने आसपास में रहता है, तो अपनी स्पेस खराब कर देता है। वो अपने से ठीक बात नहीं करेगा, अपने से इमोशनली नहीं जुड़ेगा। अपने आजू बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो स्पेस बहुत खराब कर देता है, वो वाइब्स जो है ना, वाइब्रेशंस, वो ठीक देता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ तो भी मिसिंग है। तो ऐसे आदमी को आसपास मत रखो। ऐसा आदमी है तो उसके साथ में जुड़ जाओ, बातचीत करो, कम्युनिकेशन करो। मगर जो भी आसपास के आपके आदमी हैं, उनके ऊपर आपने प्यार करना चाहिए, उन्होंने आपके ऊपर प्यार करना चाहिए। जो आदमी को हराया है, जो आदमी आपसे हर गया है, उसको आजू बाजू में मत फिरकने दो। उसको जोड़ लो, उसको अपना लो, उसकी केयर करो, उसको अपना बना लो, तो आप जीत जाओगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।